एक जुमला कहता हूँ, मुझे माफ फरमा दे। बात बड़ी सच्ची है, बड़ी कड़वी है। जो लोग मदरसे को बंद करने के साजिश में लगे हैं वो लोग, और जो लोग जिनके पास ताकत हो फिर भी मदरसे की खिदमत नहीं करते, ये दोनों आपस में भाई हैं। मदरसे का दुश्मन और वो आदमी जिनके पास मदरसों को खिदमत करने की ताकत रहकर भी मदरसे की खिदमत नहीं करता, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। ₹10 निकालो, हर मुसलमान ₹10। बेंगलुरु के अगर कई लाख मुसलमानों में से 5 लाख मुसलमान ₹10 नहीं निकाल सकते, क्या हासिल हुई? 5 लाख मुसलमान अगर ₹10 निकालेंगे तो पर डे मदरसों के लिए कितना वसूल होगा? 50 लाख। दस दिन को कितना हुआ? 5 करोड़। रमजानुल मुबारक के 30 दिन को कितना हुआ? 15 करोड़। क्या बेंगलुरु के मदरसे नहीं चलेंगे? बल्कि बेंगलुरु के मदरसे चल को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेंगलुरु से बाहर के मदरसों को दे सकते हैं, बतौर खास बिहार और बंगाल के खस्ता हाल मदरसों को दे सकते हैं। हमारे ₹10 नहीं, वो हर मुसलमान अपने ₹10 को ₹10 न समझे, बल्कि अपने 5 लाख भाइयों के साथ मिलकर वो पर डे 50 लाख समझे उसके ₹10 को। कहां जाता हमारा टारगेट? चंदा पूछे तो पैसा नहीं, बेटी की शादी में 4-4 किस्म के मिठाइयों को पैसा कहां से आया भाई? खारून फोन पे करया की फिरन गूगल पे करया? मदरसे को चंदे पूछे तो चंदे नहीं, जोड़े को पैसे देने के वास्ते रमजान के वास्ते स्टॉक रखा है। इफ्तार पार्टी चल रही है एक जगह पर, वो सियासी लोगों की इफ्तार पार्टी नहीं, क्या कि रमजान से पहले रिश्ता हुआ कहते, वो रोजा खुलाई का रसम। आज क्या कि तोल को रोजा खुला रही, शादी कर ले को आ जाने के बाद ऐसा घर को खोल को छोड़ती, बन को रखे सो बकरे को छोड़े तो भागते ही देखो। ये पैसे मां दियो, जरूरत है, ये साल इम्तिहान है। मदरसे वालों को तो तसल्ली व सुकून देना है तरुणों को, नहीं तो एक काम करो, रमजान में ₹2000 देते थे, नहीं हो रहा है, नहीं 500 दिए, नहीं वो ₹500 दे दाल को सफीर को की मोहतमीम को की, क्या बोलो कि ₹500 ले लो, इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद हर महीना में तुम ना ₹100 दे को भेजा तुम्हारा, ₹100 एक महीने को, ₹100 बोले तो रोजाना ₹3.5 का भी हिसाब नहीं रे बाबा।
साल को 500 रुपए देते ही ना जमीर गवारा करता क्या? मुझे तो रोना आता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए।